जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, वेरिएबल किसे कहते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं उनको सीखते हुए, इंट्रोडक्शन मतलब एक बनाते हुए। और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम इसमें करते चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, और मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हमें इस चैप्टर का थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन चाहिए होगा। इसमें हम ये सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं एंड कोफिशिएंट्स कैसे कहते हैं। इन तीन चीज़ों के बारे में हम जनरल में सीखेंगे। तो पहले तो मैं आपको छोटी सी चीज़ में बता देता हूँ। जैसे कोई इक्वेशन हमने लिखा, 2x + y = 0, ये मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया, या ज़ीरो की जगह मैं कुछ और नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा, पहली बात कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट वो जैसे डेफिनेशन में लिखा है, इज़ अ वैल्यू और नंबर डैट नेवर चेंजेस इन एन एक्सप्रेशन एंड इट्स कॉन्स्टेंटली द सेम, जो कि जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, और वो पूरे इक्वेशन में उसकी वो वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो जैसा कि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो 7 जो है ये मेरा कॉन्स्टेंट कहलाएगा, ये कॉन्स्टेंट कहलाएगा, ठीक है। फिर अगला है अपने पास वेरिएबल। वेरिएबल इज़ अ लेटर, पहली बात उस कांस्टेंट जो है एक वैल्यू था, नंबर था, वेरिएबल क्या है, एक लेटर है, जो कि रिप्रेजेंटिंग सम अननोन वैल्यू, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, एंड इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो वेरिएबल जो होते हैं ये पहली बात तो अननोन होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे डेफिनेशन बताया गया है। इनकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, हम लोग चाहे +1 रखें, चाहे -1 रखें, चाहे 0 रखूँ, चाहे 1000 रखूँ, चाहे 1,00,000 रखूँ, ये कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, लेकिन किसके अंदर, वेरिएबल्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से जो एक्स एंड जो वाई जो है, ये दोनों के दोनों मेरे वेरिएबल होंगे इसमें, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, वेरिएबल। एंड द लास्ट वन इज़ जो कि है कोफिशिएंट, इसमें क्या रखा है, द न्यूमेरिकल क्वांटिटी प्लेस्ड बिफोर एंड मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के पहले, या फिर कहे कि उसके साथ मल्टीप्लाई जो हो रखा हो नंबर, उसको ही हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो इसमें जो ये 2 जो होगा ये हमारे पास कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। तो सिंपल चीज़ है, जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा भी चीज़ पहचानने का है कि उसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं यूज़ हो रहा होगा, जैसे कि कांस्टेंट यहाँ पे 7 था, उसके साथ देख लीजिए आप, कोई भी वेरिएबल टर्म यहाँ पर यूज़ नहीं है। उसी तरह जो वेरिएबल होता है इनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमेशा लेटर होते हैं, ABCD इन सब के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और जो कोफिशिएंट जो होते हैं ये वेरिएबल से पहले और वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में लगे रहते हैं, जो नंबर्स होंगे उन्हीं को हम कोफिशिएंट कहेंगे। तो ये तो था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। और फिर और भी हमारे पास है जो कि है टाइप्स ऑफ इक्वेशन, हमें जो इसमें पढ़ना पड़ेगा कि इक्वेशन हमारे पास कैसे कैसे होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, तीनों के बारे में समझेंगे। इसको समझने से पहले हमको एक चीज़ समझनी है, जो कि है डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होती है, डिग्री को हम शॉर्ट डेफिनेशन में पढ़ना चाहें तो इसको हम कहेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये इक्वेशन दे दिया, जैसे कि x + 7 = 0, तो यहाँ पे और एक चीज़ और थी, जो डिग्री जो पावर तो देखी जाएगी वो हमेशा किसकी, वेरिएबल की देखी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, x है, x यहाँ वेरिएबल है, और इसकी जो पावर है कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वहाँ पर 1 होगा। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री कहलाएगी वो कहलाएगी हमें कितनी, यहाँ पर आएगी 1, ठीक है, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। इसी तरह एक और इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले दी x³ + x² + x + 7 = 0, ये हमने एक और ले लिया नंबर, ठीक है। तो
तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल हो, वेरिएबल यहाँ पे तीन टर्म्स दे रखे हैं एक्स एक्स एक्स, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो पावर है वो है थ्री जो कि सबसे पहला है। इसका मतलब इसमें जो डिग्री की जो वैल्यू बनेगी, इसका मतलब यहाँ पर जो डिग्री की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास थ्री। तो इस तरीके से हम डिग्री समझ सकते हैं। जैसे कि एक और समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 7 इज इक्वल 0, ये एक और इक्वेशन दे दिया। तो इसके हिसाब से अगर हम डिग्री की वैल्यू देखें तो सबसे बड़ी पावर क्या बन रही है हमारे पास, 10 बन रही है। मतलब इस इक्वेशन में भी डिग्री की वैल्यू क्या हमारी बनेगी, 10 ही बनेगी। तो अब बताता हूँ इसका सबसे पहला लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस वो नंबर्स वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें कि डिग्री की जो वैल्यू होती है, डिग्री की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है। लीनियर इक्वेशन में डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर हम लोग इसका एग्जांपल समझें तो जैसे कि मैंने लिख दिया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल बन जाएगा। तो डिग्री लीनियर इक्वेशन में डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होती है जिसमें कि डिग्री की जो वैल्यू होगी इसके अंदर वो हमेशा 2 दिखाई जाएगी। वो इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये अपने पास कोई मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इसकी पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 दिखाई जा रही है, इस वजह से इसका ये जो कहलाएगा इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो इसी तरह देखते हैं थर्ड नंबर जो कि है क्यूबिक इक्वेशंस। इसके अंदर जैसा कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास, इसकी डिग्री जो होगी वो हो जाएगी 3। तो इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 7, इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ होगी, लीनियर इक्वेशन में डिग्री की वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री की वैल्यू 2 मिलेगी, और जो क्यूबिक होगा इसमें हमारे डिग्री की वैल्यू 3 मिलेगी। हमको 9th और 10th दोनों की क्लास तक, हमको 10th क्लास तक हमें डिग्री 3 तक ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ना होगा। आगे हमें उसके आगे वैल्यू मिलती रहेंगी, ठीक है, डिग्री हमें आगे बढ़ती चलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन में आया होगा सिंपल सीजन, लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 एंड द क्यूबिक इक्वेशंस में डिग्री 3। अब बढ़ते हैं हमारे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस की तरफ। अब पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें हमें बस जो वेरिएबल्स हैं इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि सबसे पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो देखिए थोड़ा सा इसमें पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटा सा चीज़ है कि हमें जब भी किसी वेरिएबल की जो वैल्यू निकालनी होगी तो उसको एक तरफ हमें अकेले छोड़ना होगा, ठीक है। तो जैसा कि इस इक्वेशन में दे रखा है कि x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो x यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल है तो मुझे यहाँ पर x को अकेला छोड़ना होगा, मुझे यहाँ पर 2 को हटा देना होगा। तो कैसे हटेगा कि x इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ माइनस 2 है, मैं यही बताना चाहता था कि कहीं पर अगर साइन माइनस का दे रखा है तो उसका इज इक्वल टू के क्रॉस होकर के वो साइन प्लस हो जाएगा, कहीं पर साइन प्लस का दे रखा है तो वो साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, कहीं पर साइन मल्टीप्लाई में है तो वो साइन डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और कहीं साइन डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यही बस हमें कंसेप्ट इसके अंदर याद ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे 2 जो है माइनस में था तो वो जा करके उस तरफ अपोजिट जब लेके जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वाई की वैल्यू निकालनी तो मुझे 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 10, 3 जो है यहाँ माइनस प्लस में दे रखा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चनों के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, तो इसको भी ऐसे ही करना है, जेड को निकालना है तो 2 मुझे हटाना पड़ेगा, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू जेड बन जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 4। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है हमें 3/7। मैं क्वेश्चन जरा बढ़िया से लिख देता हूँ, 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7।
ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए वही सिंपल क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स को निकालना 3/7 को मुझे हटा के दूसरी तरफ डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक लोचा है कि 3/7 के सामने कोई साइन नहीं है, तो 3/ जिस भी नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता इसका मतलब उसके पास प्लस का साइन दिया है फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली बात है मुझे 3/7 को हटाना पड़ेगा, उसके पास प्लस की वैल्यू है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो 17/7, प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस का 3/7। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया है हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 17 माइनस 3 तो वैल्यू बन जाएगी 14/7 और वैल्यू आ गई हमारे पास 2, मतलब कि यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस तरीके से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग समझने की चीज़ है, यहाँ पे 6 और x एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों को दोनों मल्टीप्लाई में हमें दे रखे होंगे। तो इसको कैसे करना है कि मल्टीप्लाई मैंने पीछे देखा, मल्टीप्लाई जहाँ पे होता है उसको हम चेंज कर देते हैं डिवाइड के अंदर, और जहाँ डिवाइड होगा उसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के अंदर, यही चीज़ इसमें हमने देखा था। तो यहाँ पे कैसे होगा कि हमें एक्स वैल्यू निकालने तो 6 को हटाना पड़ेगा, और 6 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो आ जाएगा डिवाइड में, इस तरीके से 6 की टेबल में 2 जाएगा 2 पर, वही जाएगा 1 पर, मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से अपने पास 2 आंसर आ गया एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है t/5 = 10, ठीक है। तो यहाँ पर t की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 5 हटाना पड़ेगा, और t के साथ जो 5 है वो डिवाइड साइन में है, और हम क्या जानते हैं जब डिवाइड में हो तो अपोजिट लेके जाना होगा, और वो किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब कि t की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 10 × 5, जिसकी वैल्यू बन जाएगी अपने पास 50, तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास 50। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2x/3 = 18। अब यहाँ पे दो दो नंबर हमें दे दिए हैं, एक नंबर मल्टीप्लाई में है और एक नंबर डिवाइड में है, तो पहले एक को किसी भी एक को सॉल्व कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर 3 को पहले सॉल्व करता हूँ, तो 2x के साथ जो 3 है वो डिवाइड में बैठा हुआ है, इसका मतलब उधर जाके वो चीज़ किस में हो जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। मैं सॉल्व कर भी सकता हूँ, अगर नहीं भी करूँ तो भी चलेगा, और ना ही करें तो ही अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखिए, मुझे जब 2 की वैल्यू जब निकाल मैं एक्स की जब निकालनी 2 को मुझे हटाना पड़ेगा, वो वैल्यू बन जाएगी 18 × 3/2, और अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे फिर वो डिवाइड भी करना पड़ता, इससे अच्छा छोटा नंबर बन जाएगा 9, 2 की टेबल में 18 जो है 9 पर जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बन जाएगी अपने पास 27, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि 1.6 = y/1.5 जो है वाई के साथ डिवाइड में है, तो उधर जा करके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा दूसरी तरफ जा करके, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 24.0 = y, मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 24। इस तरीके से हमारा ये 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 7x - 9 = 16। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं, 7 जो है मल्टीप्लाई में है x के साथ, और जो 9 जो है वो माइनस में है। तो यहाँ पे जानने की बात ये है कि पहले किसको हटाया जाए, 7 को हटाऊं जो कि मल्टीप्लाई में, या फिर 9 को हटाऊं जो कि माइनस में है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले प्लस और माइनस वाले को ही हटाना पड़ेगा मतलब। तो यहाँ पे अगर मैं 7x = 16 + 9 कर दूंगा, क्योंकि 9 इधर माइनस में, जो उसी जब जाके प्लस हो जाएगा, तो इसी तरह 7x = 25 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 25/7, ये अपने पास x की वैल्यू इस तरीके से बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14y - 8 = 13। अभी हमने जैसे इसको क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको करना होगा। तो 14y - दे रखा है तो = 13 + 8 हो जाएगा, तो 14y = 21 हो जाएगा। अब y जो है 14 के साथ मल्टीप्लाई में, तो नीचे जा कर के वो दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 के टेबल में ये जाएगा 2 पर और ये 21 जाएगा 3 पर, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 3/2, ठीक है। इस तरीके से हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये भी उसी तरह है, पी जो वेरिएबल है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि मुझे 17 को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17 दे दिया। तो 6p इज इक्वल टू 9 में से जो 17 जाएगा तो ये अपने पास बचेगा माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू बन जाएगी माइनस 8 अपॉन 6, हमने जैसा देखा कि पी के साथ जो 6 है वो मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से जब हम टू की टेल में ये जाएगा 3 पे जाएगा और 2 की टेल में जाएगा 4 पर, तो यहाँ से पी की वैल्यू बन जाएगी माइनस का 4 अपॉन 3, ठीक है। इस तरीके से ही हो गया हमारे पास 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि है 12, इसमें हमें दे रखा है कि एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 50, एक्स अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 50। तो जैसा कि हम जानते हैं x को निकालना तो मुझे 1 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ कि x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15 और माइनस का 1। देखिए 1 के नीचे कुछ फ्रैक्शन नहीं, इसका मतलब मैं इसके नीचे भी मैं 1 अपनी तरफ से डाल सकता हूँ, इसको कोई रॉन्ग नहीं करेगा। आगे देखते हैं 15 और 1 यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शन में 7 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 1 यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसका मतलब और उसको माइनस करना, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उसको एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 और 1 का एलसीएम आ जाएगा अपने पास 15, ये बन जाएगा 17 माइनस और ये हो जाएगा 15, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस 8 अपॉन 15। तो अपने पास जो आंसर हो चुका है एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 15, ठीक है। तो 3 को हटा देते हैं अब यहाँ से x के साथ, x के पास से, तो माइनस 8 अपॉन 15, x जो है x के साथ जो 3 नीचे था डिवाइड में था, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 की टेबल में जो 15 जाएगा वो जाएगा 5 पर, इसका मतलब जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस 8 अपॉन 5। तो ये अपने पास इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ये अपने पास सारे के सारे हमने इसमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन बना लिए हैं। जाने से पहले दोबारा बता दूँ, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाकर के आप उसे ले सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।